हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट जो है झारखंड आईटीआई में ऑफलाइन एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिन लोगों ने आईटीआई में ऑफलाइन एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए फाइनली अपडेट आ चुका है। तो इस फॉर्म को ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली क्या अपडेट आया है इसके बारे में देख ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यह झारखंड के सभी आईटीआई में नोटिफिकेशन निकल गया है। ठीक है, तो आपके जो भी नियरेस्ट आईटीआई कॉलेज है एक बार वहाँ संपर्क कर लीजिएगा। जो भी सीट ऑनलाइन एडमिशन के बाद बचे हुए हैं उस पर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो एक बार अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा कि किस ट्रेड में कितना सीट खाली है और ऑफलाइन एडमिशन के लिए डेट आया है या नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें चार आईटीआई का आया हुआ है, पांच आईटीआई है टोटल, चार पांच आईटीआई है। तो आप अपने माध्यम से इसे देख लीजिएगा। पहला है यहाँ पर गढ़वा, जो कि कई ट्रेड है, इसमें फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, एमएमबी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, टर्नर है और वेल्डर है। एक गढ़वा आईटीआई के लिए है, जबकि भंडारिया में फिटर ट्रेड के लिए है और झगराटांड में वेल्डर और मैकेनिक डीजल है, जबकि गवर्नमेंट आईटीआई चीनिया में फिटर ट्रेड है। तो सारे जो हैं चार आईटीआई, गढ़वा, भंडरिया और झगराटा और चीनिया, यहाँ पर इसी ट्रेड के लिए ऑफलाइन आप आवेदन करके यहाँ पर से इसमें से किसी ट्रेड को चूज कर सकते हैं जब आपका मेरिट बनेगा फाइनल। तो यहाँ पर एस क्राइटेरिया आप लोग जानते हैं कि बहुत इसमें रहता है, आपके पास आराम से एस क्राइटेरिया होगा जो 14 से 40 वर्ष रखा गया है और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और 8वीं पास रखा गया है। कुछ कुछ ट्रेड्स होते हैं 8वीं पास के लिए, कुछ होते हैं 10वीं पास के लिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आवासीय अर्हता जो होना चाहिए वो झारखंड के मूल निवासी होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि जो है 20/9/2022 शाम 5 बजे तक ही मान्य होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है 12 में कि जब आप ऑफलाइन आवेदन कर देंगे तो मेरिट बनता है, उस मेरिट के अनुसार आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि इसमें डेट दिया हुआ है, ये जो चार आईटीआई का जो साक्षात्कार होगा 22/9/2022 होगा और अपराह्न के 10 बजे। यहाँ पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन में त्रुटि हो गया है, 22/9/2021 के जगह पर 22/9/2022 होगा और पूर्वाहन के जगह पर अपराह्न होगा, यानी कि सुबह में 10 बजे से आपको वहाँ पहुँच जाना होगा। तो ये अपडेट था। और यहाँ पर आवेदन जो आपको जमा करना है भेजना है, या तो आप हाथों हाथ जा करके जमा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ भेजना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि आवेदन पत्र भेजने का पता है जो गवर्नमेंट आईटीआई गढ़वा हस्केर में जो है, और उसका पिन कोड दिया हुआ है 82/12। यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी नियरेस्ट आईटीआई होगा एक बार पता कर लीजिएगा, वहाँ निकला है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड में सारे जगह अभी फुलफिल अपडेट नहीं हुए हैं ऑनलाइन एडमिशन से। ठीक है, और यहाँ पर इसका नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके अच्छी तरीके से भर के और यहाँ पर सारा संलग्न कर दीजिएगा, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट्स, 10th का मार्कशीट हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है, निवास हो जाएगा, जाति हो जाएगा, जो जो भी है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप संलग्न करके भेज दीजिएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद।